दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम फौजी हैं इसकी शान। देश के बाहर के दुश्मनों से रक्षा करता है फौजी, अंदर पनप रहे दुश्मनों से कौन करेगा रक्षा। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। SDM से लेकर DM तक कटवा रहे हैं चक्कर, अनशन को मजबूर हुआ सेना का जवान, अनुसूचित जात के लोगों ने किया फौजी की जमीन पर कब्जा, प्रशासन के कोरे आश्वासन से तंग आकर जवान आया मीडिया के सामने, रो रो कर सुनाई अपनी दास्तां। जानकारी के अनुसार मामला जनपद के थाना क्षेत्र संग्रामपुर के कन्नू केवलापुर का है, जहां का निवासी ब्रजेश कुमार दुबे भारतीय सेना में कश्मीर में तैनात है। उन्होंने बताया कि मैंने गांव निवासी हरभूषण व हरिमोहन श्रीवास्तव से गाटा संख्या 813-814 का बैनामा लगभग 1.5 साल पहले लिया था और बाद में मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। मेरे पीछे मेरी जमीन पर गांव के कुछ दबंग अनुसूचित जात के लोगों ने अवैध तरीके से छप्परारी रख कर कब्जा कर लिया है। जब मैं घर छुट्टी पर आया तो उक्त मामलों की जानकारी हुई, जिसकी शिकायत मैंने जिले के छोटे से लेके बड़े अधिकारियों तक किया, परंतु आज तक मेरी जमीन प्रशासन द्वारा खाली नहीं कराई गई। मजबूरन मैं अपनी बीबी बच्चों को लेकर SDM कार्यालय अमेठी के सामने धरना दे रहा हूं। जब तक मेरी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त नहीं हो जाती और मुझे न्याय नहीं मिल जाता, धरना समाप्त नहीं करूंगा। राम प्रसाद शुक्ला, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24 अमेठी के साथ अनिल दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम लांस नायक ब्रजेश कुमार दुबे है, जो 40 राष्ट्रीय राइफल जम्मू सोजिया सेक्टर में तैनात हूँ। मेरा गांव कौलापुर कनू संग्रामपुर थाना अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। क्या समस्या है, किस लिए आप बैठे हैं, पूरा मामला बताइए। मेरी जमीन, मैं एक जमीन बैनामा लिया था 1 से 1.5 साल पहले, जिसकी पैमाइश अखबाराई तहत करवा चुका हूँ और मैं उसमें अपना छप्पर रखा था। उसमें कुछ SC ST के लोग, 7 से 8 लोग आता, उनके घर की महिलाएं, जिनका नाम सुरेंद्र, राम बहादुर, मथुरा, सजीवन, तुलसी राम, विजय कुमार, श्री राम इत्यादि, उनके घर की महिलाएं तथा बच्चे हमारी जमीन को कब्जा कर लिए हैं और वो हमारे को जाने से मना करते हैं। अतः हमारे बच्चे और बीवी को जान से मारने की धमकी देते हैं। अतः हम क्या करें, हमारी जमीन मिल नहीं रही है। अब तक किससे मिले, किसी के साथ? अब तक मैं DM के पास दे चुका हूँ अप्लीकेशन जाके, SDM के पास 2 बार, तीसरी बार आया हूँ मैं, उसके बाद थाना प्रभारी के पास जा चुका हूँ मैं, अभी CO साहब के पास जा चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि राजस्व की टीम जाए अभी, तभी आपका मैं चल के तुरंत कब्जा कराऊंगा। अभी मैं क्या करूँ बताओ, राजस्व की टीम बोलती है सिविल कोर्ट आप जाइए। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? अभी मेरे को नहीं, मैं तो भारतीय सैनिक हूँ, मैं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हूँ, जो कि हमारे जहाँ हमारा पोस्ट है वहाँ से 500 से 700 मीटर दूरी है पाकिस्तान का बॉर्डर। हम लोग तो वहाँ 24 घंटे बर्फ पड़ती है, वहाँ रहते हैं, अतः हमारी जमीन की थ्रू चाह नहीं प्रसादन कर पा रही है। बताइए मैं क्या करें, हमारा बच्चा और बीबी जो कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, मैं अभी मैं क्या बताऊँ, प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरे को बोलता है सिविल कोर्ट जाइए आप, अभी मैं जाऊँ कहाँ बताओ आप।